मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ और टेंथ दोनों के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो कुछ फॉर्मूला पहले हमने लिखा है, उसको आप याद कर लेंगे। जैसा कि लिखा गया है, शंकु की त्रियक ऊंचाई बराबर एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मतलब होता है त्रियक ऊंचाई, और यहाँ एच शंकु की ऊंचाई होती है और आर शंकु की त्रिज्या होती है। कुछ शंकु कुछ इस प्रकार के जो फिगर होते हैं उसको हम लोग शंकु कहते हैं। ये शंकु की ऊंचाई है, ये जो है शंकु की त्रिज्या, और ये शंकु का एल, एल को बोलते हैं इंग्लिश में स्लंट हाइट। एच यहां हाइट और आर शंकु की त्रिज्या होगी। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई अर्थात एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब भी शंकु की त्रियक ऊंचाई अर्थात एल ज्ञात करने हो तो हमें रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फॉर्मूला का उपयोग करने होंगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसके चारों ओर का क्षेत्र जो होते हैं उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। पाई आर एल फॉर्मूला होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु का यह पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल जो हमारे पास है पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो जैसा कि दिया गया है इसमें कहा जा रहा है कि शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात करें यदि एच और आर का मान दिया गया है। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई हमें ज्ञात करने हैं और एच का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन भी हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर सी बनाया गया जिसमें एच का मान 4 सेंटीमीटर आर का मान 2 सेंटीमीटर दिया गया। तो एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, आर का वैल्यू 2 है तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब दोनों का ऐड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 को हम लिख सकते हैं 5 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 और 4 में से 4 जो है रूट के बाहर आएगा तो 2 रूट अंडर 5 सेंटीमीटर। ये जो शंकु है वैसे शंकु की हमने त्रियक ऊंचाई निकाला जिसकी ऊंचाई 4 और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें कुछ वैल्यू दिए गए हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि रेडियस और एच दिए गए हैं। जैसा कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूला में हमें पता है, हम लोग जानते हैं कि पाई आर एल होता है तो एल हमें चाहिए। जबकि यहां जो क्वेश्चन में दिए गए हैं आर और एच गिवेन है, एल का वैल्यू नहीं दिया गया। यहाँ आर और एच गिवेन है, एल का वैल्यू नहीं दिए गए हैं। तो हमें सबसे पहला काम करने होंगे एल का मान निकालना होगा। तो एल के लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि आर इक्वल टू इतना एच इक्वल टू दिस। इसी प्रकार पांच क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर ए को हमने हल किया है जिसमें आर बराबर 2 सेंटीमीटर है और एच बराबर भी 2 ही सेंटीमीटर है। तो एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू भी 2 ही सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं, 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो 2√2 सेंटीमीटर। अब हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं। पाई आर एल, एल का वैल्यू हमें अज्ञात था तो हमने निकाल लिया। सर्वप्रथम एल के जगह पर हम 2√2 डाल दिए। आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया गया है और पाई का वैल्यू जैसा कि हमें पता है कि 22/7 होता है। इसको हमने ऊपर पूरे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया 38√2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि आर और एल का वैल्यू दिए गए हैं। आर और एल के वैल्यू गिवेन है तो हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर बी जिसमें आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर एल का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिए गए हैं, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। और यहाँ हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे पाई के जगह पर 22/7, आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर तो हमने 2 सेंटीमीटर लिखा, एल के जगह पर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर लिखा, आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर लिखा। यहाँ उल्टा लिखा गया है, आर के जगह पर 2 सेंटीमीटर यहाँ लिखा गया है, एल का वैल्यू जो 5 था यहाँ लिखा गया है। तो ये आप ध्यान रखोगे, पहले आप 5 सेंटीमीटर लिखोगे बाद में 2 सेंटीमीटर लिखोगे।
जब 2 और 5 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि आयतन निकाले, मतलब आपको क्वेश्चन में शंकु के आयतन ज्ञात करने हैं, तो आर का मान 2 सेंटीमीटर और एच का मान 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमें आयतन ज्ञात करने हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्वेश्चन नंबर सी को हमने हल किया है, तो फॉर्मूला में हमने क्या किया, 1/3 पाई का वैल्यू, 22/7 आर का वैल्यू, जैसा कि 2 सेंटीमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ एच का वैल्यू 5 दिया है तो हमने 5 लिख लिया। ऊपर वाले सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे सेंटीमीटर क्यूब होगा, जो कि दिए गए शंकु के आयतन को बताता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें आपको ज्ञात करने हैं तिरछी नहीं आर का वैल्यू। आर का मान ज्ञात करें यदि एल और आर का मान ज्ञात करें यदि एल और एच दिया गया है, या आर यहां रहने दीजिए, यहां पर हम लोग एच का वैल्यू निकाल लेते हैं। एल और आर हमें गिवन है और हमें एच का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां पर एच एल स्क्वायर इक्वल टू, यहां एच बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज हो जाएगा, बिकॉज एल स्क्वायर प्लस एच यदि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम यहां से हमें एच चाहिए तो एच स्क्वायर अगर निकालेंगे तो एच आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लाने होंगे, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहां से एच निकालेंगे तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी ये आपको एच निकालने के लिए फॉर्मूला का उपयोग करना है। तो हमने एच बराबर लिखा एल स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का वैल्यू जैसा कि 5 सेंटीमीटर गिवन है, आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर लिया और इसका होल स्क्वायर कर लिया, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब्सट्रैक्ट कर लिया तो रूट अंडर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 का रूट 4 सेंटीमीटर। ये वैसे शंकु की ऊंचाई निकल गई जिसका तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो और रेडियस 3 सेंटीमीटर हो। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।